करने में वो समर्थ हुई। तो कहीं ना कहीं हमें जब ऐसे लोग भी अपनी जीवन शैली को वापस स्टार्ट कर सकते हैं, तो ऐसे ही है जैसे हम हैं वैसे ही वो लोग हैं। तो आपस में हम एक दूसरे को सपोर्ट करके और सहायता प्रदान करके और मन में ये ठान लें कि अगर हम सब कुछ ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और इनमें भी जज्बा है जीने का, तो जज्बा हमारे अंदर भी है। इनका परिवार है तो परिवार हमारा भी है, हमें भी आगे बढ़ना है, हमें भी इस कैंसर को हराना है। ऐसा ही एक वीडियो और है, मैं आपको इसके बाद और दिखाना चाहूंगा। ये युवराज सिंह का इंटरव्यू है जिसके हम फर्स्ट वीडियो देखा था। एक सिंपल सी चीज है, छोटी सी चीज है, एक बच्चा इस दुनिया में आता है, बड़ा होता है, तमाम तजुर्बों के बाद एकदम उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन इसी जिंदगी में कई लोगों को बहुत ही खास तजुर्बे मिलते हैं, ऐसे जो उनकी जिंदगी के मायने बदल देते हैं। ऐसा ही एक शख्स अपनी बदली हुई जिंदगी के साथ, बदले हुए मायनों के साथ हमारे साथ है, युवराज सिंह, जो अपने आप में बहुत ही खास इंसान है। युवराज, बहुत शुक्रिया तुमसे बात करने के लिए। युवराज सिंह जिन्होंने कैंसर को हराया है, मैंने यही सुना है हमेशा कि एक छोटा लड़का जब भी लेकर स्केटिंग किया करता था, चैंपियन स्केटर था, फिर क्रिकेटर भी चैंपियन बना और बहुत सारे पार्टीज करता था। अब वो बिल्कुल कैसा है